केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आपको बता दें कि 500 जनधन खाते में और 1,000 रुपये लोगों को राज्य सरकार देगी। इस तरह से जब मैसेज आया तो लोग अचानक जो है, जो बुजुर्ग थे, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो घर की महिलाएं थी, खासकर आपको बता दें कि लगातार जो लोग थे वो सभी लोग बैंकों की तरफ दौड़ने लगे। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का जो हाल था वो बहुत ही बेकार था और लोग चिंतित कर रहे थे। प्रशासन भी चिंता में आ गया, खासकर जब जिलाधिकारी को ये बात पता लगा तो जिलाधिकारी अपने स्तर पर एक्टिव होकर इसको संज्ञान में लेते हुए इसका हल भी किया गया। खासकर BDO CEO जो थे सभी जगहों पर, मैंने देखा, खुद देखा कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर जिसका सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा जा रहा था, खुद वो जाकर सही करवा रहे थे, वहाँ पर तस्वीर खिंचवाकर जिलाधिकारी को भेज रहे थे और अपना वाहवाही ले रहे थे। जैसे कि पिछले समय जिलाधिकारी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि कुछ जगहों पर लोगों ने सही भी किया था, उसके बाद फिर से ये हाल हो गया है। खुद जिलाधिकारी ने ये बात पूछा है। जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल को उठाया तो उन्होंने ये जवाब दिया। हम इस जगह की तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि ये है बिहार का दरभंगा जिला और चंदनपट्टी जगह है। आपको बता दें कि चंदनपट्टी गांव के बीच, जिसके इसके आसपास लगभग 25 से के लगभग जो गांव हैं उनको इस चंदनपट्टी ब्रांच से फ़ायदा मिलता है। जो लोग यहां पर आते हैं, जिनका खाता है यहां पर, इस ब्रांच के बारे में आपको बता दें, बैंक ऑफ इंडिया का ये ब्रांच है और बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में ये हाल है। देख सकते हैं कितने नज़दीक लोग बैठे थे और जो ब्रांच मैनेजर हैं वो अंदर बैठे थे, उनके जो कर्मी हैं एक वो गेट पर खड़े थे, वो सही लोगों को कर रहे थे, लेकिन बाहर का ये हाल है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्रिगेडिंग कर दिया गया है। खासकर बता दें कि बांस बल्ला यहाँ पर लगाया गया था, जो उससे पहले भी जब हंगामा हुआ था, जब मतलब जो प्रशासन थे, जो लोकल थाना था वो आया था और यहाँ पर एक जो पुलिसकर्मी है वो बिठाया गया लगातार। आपको बता दें फिर भी जो लोग हैं नहीं मानने वाले हैं, खासकर ये बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। और अंदर की बात अगर करें, महिलाओं में खासकर ये ज्ञान बहुत कम देखा जा रहा है इस जगह पर। बैंकों की बात अगर करें तो वो समय रहते भी समझ नहीं पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग किसे कहते हैं। आपको बता दें कि जहाँ तक बात करें बैंकों की, तो लगभग बैंक के CSP सेंटर हो या बैंक ब्रांच हो, उसमें इस तरह का भीड़ लगा रहता है। खासकर बैंक मैनेजर से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू सुनाएंगे हम। और इसमें ये बता दें कि खासकर उन्होंने ये कहा है कि रमजान को लेकर अब ज़्यादा संख्या में लोग बैंकों की तरफ दौड़ रहे हैं। देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। भारत उदय समाचार लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग इस महामारी में भी कर रहा है। एक आवश्यक सूचना यह है भारत उदय समाचार की ओर से कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मेहनत के बावजूद भी और लगातार प्रशासन भी यहाँ पर रहती है, फिर भी जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं रहा है, क्या कहना चाहते हैं? लोगों का व्यवसाय शुरू हो रहा है, लॉकडाउन में ईज हो गया है, पब्लिक अपना व्यवसाय की तरफ लौट रहा है, तो जमा निकासी नहीं करेंगे, पैसा नहीं निकालेंगे तो व्यवसाय कैसे करेंगे? हो सकता है उस कारण से ये हो रहा हो, विशेष नहीं बता। आपके तरफ से क्या सेफ्टी किया उसके बाद आपने यहाँ पर? सेफ्टी है कि हम हैंड वॉश रखे हुए हैं, प्रत्येक आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार एंट्री दे रहे हैं, बाहर भी बैरिकेडिंग किया हुआ है, थाना की तरफ से जो स्टाफ है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें रेगुलर वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। सुबह में आधे घंटे थोड़ी बहुत भीड़ रहती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, उससे कम ही हो जाता है। ये लोग कौन है जो मतलब इतने जो भीड़ भारी संख्या में आ रहे हैं, ये कौन है? मतलब पैसा निकासी करने आए हैं या मतलब क्या? मैक्सिमम लोग पैसा निकालने ही आते हैं, यहाँ रूरल क्षेत्र है, यहाँ जमा करने वाले लोग भी कम है, खासकर जो मतलब त्यौहार है इसके वजह से ज़्यादा हो सकता है, त्यौहार का भी असर हो, क्योंकि त्यौहार इसी सप्ताह में है। कितने स्टाफ के साथ अभी काम कर रहे हैं? अभी तो हम लोग लगभग फुल स्ट्रेंथ में काम कर रहे हैं। फुल स्ट्रेंथ में? तो बाहर जो लोग, जो सामने गेट के बाहर जो ज़्यादा भीड़ है, एक जगह लोग बैठे थे, एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, तो इन लोगों के लिए क्या मतलब कर रहे हैं? देखिए हमारे हम लोग का भी यही प्रयास है, बार बार हम लोग समझा रहे हैं, 10 जगह पोस्टर में भी लिखा हुआ है, सरकार भी इस चीज़ को समझा रही है, 10 हर तरह से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और हर तरह से ये उनको इन्फॉर्मेशन जा रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और कोशिश करें मेंटेन करने का, क्योंकि बिहार में धीरे धीरे केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग इस तरह से अगर लापरवाही बरतेंगे तो आने वाला समय हम लोग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? ऋतुराज। क्या है? शाखा कहाँ, कौन सा शाखा? बैंक ऑफ इंडिया चंदनपट्टी।